नमस्कार दोस्तों, SRE ऑनलाइन आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसरो सतीश धवन स्पेस सेंटर का जो एग्ज़ाम 4 जून 2022 को होने जा रहा है, उसी के एडमिट कार्ड से जुड़ी हुई बहुत सी समस्याएं जो आप सभी को देखने को मिल रही हैं। और जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड इशू, हमारे पास हमारी जो प्रीवियस वीडियो एडमिट कार्ड पर हमने जो जारी की गई थी उस पर हमारे पास कमेंट्स आए कि सर हम अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो उस पर दोस्तों आपकी जो समस्या है उस पर विचार करते हुए हमने आपके लिए ही ये वीडियो बनाया है। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही साथ यदि आपका इस वीडियो को देखने से सॉल्यूशन मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं हमारे मेल आईडी पर। अब हम बात करते हैं कि आप अपने एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको जो इश्यूज आ रहे हैं जो मैं बता देता हूँ, हो सकता है इनमें से ही कोई इशू आपका हो कि आपके पास रजिस्टर्ड मेल आईडी नहीं है, आपकी ईमेल आईडी खो चुकी है या आपके पास उसका पासवर्ड नहीं है। सेकंड थिंग, या तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है और अदरवाइज़ दोस्तों इसके अलावा कोई तीसरा इशू हो नहीं सकता। यदि आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं है फिर तो वो इररेस्पॉन्सिबल वाला काम है। अब आपके पास यदि इनमें से कोई भी एक चीज़ है या अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर है तो आप दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। आप टेक्नीशियन बी जो स्क्रीनिंग कैंडिडेट लिस्ट है, आप जिस पोस्ट के हैं, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से अलॉन्ग विद आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट से आप सबसे पहले शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट डाउनलोड कीजिए और उसमें अपना नाम देखिए। यदि आप उसमें शॉर्टलिस्टेड हैं तो आपको जस्ट उसमें अपना नाम देखना है और उसमें अपना एप्लीकेशन नंबर देखना है। एप्लीकेशन लिखने के बाद हम आपको ईमेल आईडी बता देते हैं। ईमेल आईडी है रिक्रूटमेंट, दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ईमेल आईडी है recruit@sha.gov.in। आपको इस पर मेल करना है इसरो को और उसमें लिखना है सबसे पहले आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके पास PDF हो, एप्लीकेशन फॉर्म आपको भेजना है, उनको डेट ऑफ बर्थ आपका भेजना है और उसमें ये लिख के भेजना है, चाहे आप हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, अदरवाइज़ आप गूगल ट्रांसलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। और उसमें आपको लिखना है कि सर मैं शॉर्टलिस्ट हुआ हूँ, ये शॉर्टलिस्ट का PDF है, वो PDF भी आप उसमें लगा दीजिए, अटैच कर दीजिए और उनको मेल पर लिख दीजिए कि सर मैं शॉर्टलिस्ट हुआ हूँ बट मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं आया है, मेल आईडी जो है वो मेरी घूम चुकी है या खो गई है, क्या मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो उसमें एक फैसिलिटेशन सेंटर की उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की है। यदि ऐसा होता है आपके पास एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है, वो एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड कर देते हैं तो आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, लेकिन आपको मेल करने के लिए एक ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप एक ईमेल आईडी बना लें यदि ईमेल आईडी आपकी वो खो चुकी है, अदरवाइज दोस्तों आप इस मेल आईडी के ज़रिए इसरो से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है, तो सभी के पास जो एक ईमेल आईडी आपको इसरो से आया होगा तो उसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि दिस इज़ द रेफरेंस टू द CBT एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट 6/4/2022 4 जून को कंडक्ट होने वाला है। लिंक डायरेक्ट दी गई है, आपको लिंक पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको लिंक पे क्लिक करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट क्या स्टेप होने वाली है। फिर आपको दोस्तों या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर हो या तो उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आपको क्लिक है टू डाउनलोड एडमिट कार्ड पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको जाना है लॉगिन आईडी पे और डेट ऑफ बर्थ आपकी फिलअप करना है। यदि दोस्तों अभी भी आप अनेबल हैं, आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकते, तो आप डायरेक्ट हमें ईमेल आईडी जो है sreonlineup@gmail.com इस पे आपको जो आपके पास ईमेल आया है उसका कंप्लीट स्क्रीनशॉट लेके आप हमें मेल कर दीजिए, आपका एडमिट कार्ड हम आपके मेल आईडी पर ही भेज देंगे। अब जिन जिन को भी इशू है दोस्तों, मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मैं कमेंट भी पिन कर दूंगा, आप जल्द से जल्द कमेंट कर दें इसरो को ताकि आपका एडमिट कार्ड मिल सके। अब मैं बता देता हूँ शॉर्टलिस्ट लिस्ट जो कैंडिडेट की है वो कैसे देख सकते हो। तो ये जो नीचे दिए गए हैं टेक्नीशियन भी इन वेरियस कैटेगरी, आपको इस पर क्लिक करना है, इसकी लिंक डायरेक्ट आपको मिल जाएगी। अब ये जितने भी ट्रेड वाइज हैं ये आपको यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे फिटर कैंडिडेट का है, फिटर आप देख सकते हैं और इनका PDF डाउनलोड हो जाता है। अब दोस्तों ये जो आप कैंडिडेट देख रहे हैं इनके नाम ना, ये शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है और इन्हीं के पास केवल एडमिट कार्ड आएगा। और यदि इन कैंडिडेट्स के पास भी ना दोस्तों यदि मेल नहीं पहुंचाएगा तो ये लोग कैंडिडेट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसरो से। तो आप भी कॉन्टैक्ट कीजिए यदि आप शॉर्टलिस्टेड है, इसमें अपना नाम देखिए, ट्रेड वाइज जो लिस्ट है वो अवेलेबल इसरो की वेबसाइट पर, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे हम, वहाँ से जाइए और आप ट्राई कीजिए। यदि आप फिर भी दोस्तों आप नहीं निकाल पाते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते, प्लीज़ आप हमें कमेंट ज़रूर करें, हम आपके लिए जो भी सुटेबल होगा वो ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस और हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
और कंटेंट अच्छा लगा है और जेन्युइन वीडियो कंटेंट आपको लगा है तो प्लीज़ सभी के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।